किसी अच्छे काम के लिए जाओ और वो काम ना बने ना, तो बहुत बड़ा गुस्सा आता है। और सेम चीज आज हो रही है मेरे साथ। क्या पंगा हुआ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मास्क लगा के मैं जा रहा हूँ ये बॉक्स मेरे एक सब्सक्राइबर को देने। अब मैं ये बॉक्स क्यों देने जा रहा हूँ, क्या रीजन है उसके पीछे, वो थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कल का व्लॉग का रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत अच्छा था, सो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे भी व्लॉग्स बनाना बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए। और मुझे बताएं कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। सो सीधा चलते हैं, पहले इसको पार्सल करके आते हैं, देन फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सो मुझे जयपुर की हर एक चीज पसंद है सिवाय यहाँ की गर्मी के, और यहाँ पर ऐसे भूत बन के घूमना पड़ता है। अगर आ रहे हैं पार्सल करने, सो पार्सल मैं करवाने वाला हूँ पोस्ट ऑफिस से, बिकॉज एक बार मेरे साथ में हुआ है, मैंने किसी को कोरियर किया था और सामान जो है बीच में गायब हो गया था। तो जब से मेरे को थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस पे ज़्यादा ट्रस्ट है, बिकॉज अगर वो किसी चीज़ को भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ पक्का जाएगी, वो कहीं बीच में रुकेगी नहीं। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट वाले इस चीज़ में सही होते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं वो कोरियर करने क्यों गया था, क्यों मैं इतना ज़्यादा मेहरबान हूँ किसी सब्सक्राइबर पे। सो कुछ टाइम पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने देखो मुझे एक मग गिफ्ट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। सो वो ये मग है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो उस पर मेरी फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ गिफ्ट करी थी, थोड़ा पास से देख लो। सो ये मग था और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। एंड मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि अगर कोई मेरे लिए एक चीज़ करता है ना, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसके लिए दो चीज़ें करूँ बदले में। कोशिश करता हूँ कि मेरे साइड से मैं उसके लिए दो चीज़ें कर पाऊँ, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली अगर कोई मेरे लिए छोटी सी चीज़ करता है तो मेरे ऊपर ऐसा बर्डन सा फील होता है मुझे कि यार किसी ने मेरे लिए ये चीज़ करी है। सो सबसे छोटी चीज़ जो कि मैं उनके लिए कर सकता था उनके इस प्यार के लिए, वो ये है कि उनको कुछ स्किन प्रॉब्लम थी एंड उसके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भेजे हैं उनको गिफ्ट में, और उनसे उनकी प्रॉब्लम डेफिनेटली जो है सॉल्व हो जाएगी, इतना मुझे ट्रस्ट है अपने आप पे। सो इसलिए मैंने जो है ये चीजें भेजी हैं उनको, द लीस्ट थिंग आई कैन डू फॉर हर। सो अभी आप लोगों से देखो फैन बंद करके बात कर रहा हूँ ताकि कोई आवाज में डिस्टर्बेंस आपको फील ना हो। और गर्मी इतनी खतरनाक है जयपुर में, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 45 डिग्री यहाँ पर आम बात है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा गर्मी रहती है जयपुर में, फिर भी आप लोगों से सिर्फ आपके लिए फैन बंद के बात सिर्फ आप लोगों के लिए फैन बंद करके मैं जो है बातें कर रहा हूँ। सो इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है। पसीना आप देख सकते हो कैसा टपक रहा है। सो कल के ब्लॉग को यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो थंबनेल में आपने देखा होगा मैंने मेंशन किया है पंगा हो गया। तो पंगा ये हुआ कि जैसे ही मैंने कुरियर या पार्सल करने में गया वहां पे, तो वहां पे जो वो पार्सल की वजह से पंगा ये हुआ ना, एक तो मेरे पास उसका एड्रेस प्रॉपर नहीं था, लेकिन जैसे तैसे मैंने जुगाड़ करके एड्रेस भी कवाड़ा एंड मैंने उनको भेजा। लेकिन जब मैं गया पार्सल करने, तो वहां पर जो बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि इसके अंदर क्या है, तो थोड़ा बहुत उनसे उस चीज के ऊपर लेके मैंने काफी समझाया उनको, देन फिर वो नहीं माने, क्योंकि अभी रिसेंटली पेपर में आया था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कोरियर्स के थ्रू ड्रग्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। तो इस वजह से जो राजस्थान गवर्नमेंट में जो भी ये पोस्ट ऑफिस वाले हैं, जो कोरियर वाले हैं, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए इस चीज को लेकर, जो कि एक अच्छी चीज है। देन फिर मैंने अपना आधार कार्ड उनको दिया, तो पूरा आइडेंटिटी दी, फिर देन मैं दे ही रहा था तब उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हो, देन मैंने यूट्यूब के बारे में बताया एंड फिर सब कुछ चीजें सही हो गई और उन्होंने भेज दिया उसको। सो इस तरह से वो चीज हो गई, लेकिन एक बार तो लगा था कि यार बीच में अटकने वाला है उनका पार्सल, नहीं जाने वाला, बट कर दिखाया तुम्हारे भाई ने। हमें से बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट भी आ रहा है कि भैया क्या आप जो पुराना कॉन्टेंट है वो बनाना बंद कर दोगे, तो बिल्कुल भी नहीं, जो मेरा इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट है वो चलने वाला है। सो देखो क्या होता है ना, इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट मैं बोलता हूँ कि यार वैल्यूबल होता है, आपके लिए काम का होता है, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग होता है और फिर जो ऑडियंस होती है वो काफी लिमिटेड हो जाती है। बिकॉज सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, तभी आप मेरा वो कंटेंट देखने वाले हो। लेकिन व्लॉग्स ऐसे होते हैं कि हर कोई देख सकता है, बच्चा हो बड़ा हो, ठीक है। एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप जो है व्लॉग्स देख सकते हो। एंड व्लॉग्स बनाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि व्लॉग्स आर ऑल अबाउट शुभम, इट्स नॉट अबाउट ग्लोबल शुभम, ठीक है। सो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोग और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओ मेरे साथ में। तो ये दो व्लॉग्स मैंने बनाए और तीसरा आज मैं बना रहा हूँ, तो इसके थ्रू बहुत सारी चीजें आपको मेरे बारे में पता चली होगी। आपने मेरा घर देखा, मेरा स्टूडियो देखा, जो मैंने अभी तक ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 साल हो गया यूट्यूब पे, मैंने कभी कोई भी वीडियो में शेयर नहीं किया किसी भी चैनल पे। सो धीरे धीरे आपको और ज्यादा चीजें जानने को मिलेंगी कि मेरी लाइफ कैसी है, कैसा मैं हूं। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा मैं मेरे चैनल पे हूं इतना सीरियस टाइप, इतना ज्यादा अपने काम को लेके फोकस्ड,
रियल लाइफ में मैं बिल्कुल उल्टा हूँ, मैं बहुत मस्त मजाक मस्ती करता हूँ। सो वो सब जो एंगल है मेरा जो कि मैंने अब तक नहीं दिखाया किसी को भी, वो आपको इन ब्लॉग्स के थ्रू जो है देखने को मिलेगा। सो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप मुझसे क्या देखना चाहते हो, जिम के बारे में देखना चाहते हो, या मैं डेली लाइफ में कहाँ घूम रहा हूँ, कौन से मेरे दोस्त हैं आप देखना चाहते हो, मेरी फैमिली से मिलना चाहते हो, ये सब चीजें अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली धीरे धीरे सब होने वाली है। और ऑब्वियसली यार एक साथ मैं सब चीजें नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ एंड थोड़ा सा सस्पेंस हमें बना के रखना पड़ता है। सो डेफिनेटली आपको हर चीज पता चलने वाली है मेरे बारे में, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम है। और आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, कोई कमी लगती है तो डेफिनेटली बताइएगा, और धीरे धीरे मैं इंप्रूव कर रहा हूँ हर व्लॉग के साथ में। और नेक्स्ट मंथ तक आपको भाई एकदम परफेक्ट होने वाला है व्लॉगिंग में, एंड एडिटिंग भी बहुत अच्छी होने वाली है। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, आई थिंक मैं आपको किसी मेरे फ्रेंड से मिलवाने वाला हूँ, अब मेल है फीमेल है वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। सो शायद हो सके तो नेक्स्ट व्लॉग उसी पे आएगा, और बीच में कुछ इंटरेस्टिंग मिला मुझे तो डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। सो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पहले ही बता रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने मेरा सेकंड और फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा है तो अभी जाकर के देखो। मैं नहीं चाहता आप मेरा एक भी व्लॉग मिस करो, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत ही न्यू चीज है और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर, बिकॉज व्लॉग्स की एडिटिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की एडिटिंग वगैरह से बहुत डिफरेंट होती है। एंड ये आईफोन वाला देखो, मैं सीरियसली तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत महंगा फोन है, बट प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में, बहुत सारी चीजें हैं, लाइक जो चीज पे जिस चीज पे मैं एडिट करता था, जिस ऐप पे मैं एडिट करता था, वो इसके अंदर सपोर्ट नहीं करता। सो मैं मेरे लैपटॉप से एडिट करता हूँ, तो मुझे उस लैपटॉप पे अच्छे से एडिटिंग नहीं आती, बट मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत आपको एडिटिंग मिस्टेक्स लगती है तो बहुत ही जल्दी मैं उन सब चीजों को फिक्स कर दूंगा, ठीक है। सो बस आप बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कॉन्टेंट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।